So let us discuss the comprehensive section of the Swami's expert from school, unit 4, adolescence. Yes. Okay. Yes. Pick the correct alternative. सही विकल्पों पर निशान लगाएं. निशान लगाइए. The day before the punishment was given by the headmaster, Swaminathan. क्या मतलब है इसका? The day before the punishment was given by the headmaster. पनिशमेंट के पहले हेडमास्टर के द्वारा दिए गए एक दिन नहीं बोलते. द डे बिफोर यहाँ पे कहने का मतलब है द डे बिफोर. किसके द डे बिफोर? द पनिशमेंट. पनिशमेंट की पनिशमेंट हेडमास्टर. अब इसको देखो हिंदी में उल्टा करो. हेडमास्टर के द्वारा जो पनिशमेंट हेडमास्टर के द्वारा एक दिन पहले स्वामीनाथन yes, के साथ क्या घटना घटी थी? वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल. इसका मतलब क्या है? वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल में उपस्थित नहीं था. स्कूल नहीं आई. ब्रोक द आई नहीं था. आया. थोड़ा हिंदी भी बोलते हो तो आया. ब्रोक द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन. वेंटिलेशन का कांच तोड़ा. स्कूल आफ्टर लंच आवर. इसका क्या मतलब? यही आएगा ब्रोक द. पहले मतलब बताओ. पहले सब चारों का मतलब बताओ. लेफ्ट द स्कूल आफ्टर द लंच आवर. लंच के घंटों के बाद स्कूल छोड़ दिया. लंच के घंटे नहीं बेटा. लंच के समय के बाद स्कूल छोड़ दिया. लंच के घंटे नहीं. लंच के समय. लंच आवर का मतलब लंच का समय. हैड अ फाइट विद फ्रेंड्स. क्या मतलब है? हाथ लड़ाई कर रहा. लड़ाई कर रहा था. कौन सा विकल्प इसमें से आएगा? वाज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें वो तो हाँ दिया है सर. वो क्योंकि वो स्कूल तो आया था. क्योंकि उसकी गलती क्या थी? उसने कांच तोड़ा था. कांच को तोड़ा था. Did I yes, see sir. You break the panes? क्योंकि उसने कांच तोड़ा था. मतलब वो स्कूल तो आया था. आया था. हमारा आंसर क्या होगा? Broke the panes. सर वो तो एक दिन पहले स्कूल नहीं आया था ना. वो तो पनिशमेंट के एक दिन पहले. वो इसलिए ऐसा सोच रहा था. वो उसके उसकी सोच है वो. क्योंकि सभी को एक दिन पहले नहीं आने की सजा मिल रही थी तो उसको भी ये लगा. लेकिन वास्तव में भाई लेकिन वास्तविकता क्या थी कि उसने तो कांच तोड़ा था. और कांच तोड़ा था इसका मतलब स्कूल आया था. कांच तोड़ा था है ना. मतलब आया था भाई कांच तोड़ा yes, था इसका मतलब वो स्कूल आया था. यही क्वेश्चन का क्रीम है ये कि द डे बिफोर पनिशमेंट एक दिन पहले क्या हुआ था. वो नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल होता तो चलो कोई बात नहीं होती. लेकिन वो तो कांच तोड़ा था मतलब स्कूल तो आया था. स्वामीनाथन वॉज डीप टू अ क्वेश्चन दैट द हेडमास्टर वॉज पुटिंग टू हिम. क्या मतलब है इसका बताइए. बहरा था नहीं बहरा हो गया. बहरा हो गया. तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या वो सही में कान से बहरा हो गया था? नहीं. तो स्वामीनाथन नहीं दे रहा टेंशन. वो ध्यान नहीं दे रहा था. दूसरे क्या मतलब? स्वामीनाथन डिड नॉट हैव एन आंसर. स्वामीनाथन के पास उत्तर नहीं था. उत्तर नहीं क्लियर प्रॉपर्ली. स्वामी ठीक से नहीं सुना.
द हेड मास्टर क्वेश्चन वाज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन। स्वामीनाथन क्वेश्चन को साफ नहीं सुना था। तो इसमें से कौन सा आएगा? पहला स्वामीनाथन वाज नॉट पेइंग अटेंशन। क्योंकि सर वो सपनों में तो खोया था। क्योंकि वो सपनों में खोया हुआ था। I don't care if it is cool. Swaminathan muttered this word because क्या मतलब है इसका? आपके इस गंदे स्कूल में परवाह नहीं, आपके इस गंदे स्कूल में परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है मुझे। तो ऐसा क्यों कहा उसने? द स्कूल वाज अनटाइडी। क्या मतलब है? स्कूल बेकार था। अनटाइडी स्कूल बेकार था। ही लव टू स्टे होम। घर में रहना पसंद करता था। घर में रहना पसंद करता था। और ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय हेडमास्टर। उसे हेडमास्टर के द्वारा उसे अपमानित किया गया। प्रताड़ित फाउंडामेंटल स्कूल तो कौन सा आएगा? ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द हेडमास्टर। हेडमास्टर 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 के द्वारा अपमानित किया था। यस, प्रताड़ित किया।